वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़े परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है, और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस एक दो बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढक कर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता, तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है, तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है, उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ, हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है। ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया। इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी, तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी, तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है, और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको दो बोतल उठाकर देता है। ऐ जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और एक हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप एक बोतल और लीजिए और इसे अपने जली हुई जगह पर लगा देना। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है। भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो, अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी।
एक हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ, क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था। रानू चिड़िया पेट से है और वो बहुत जल्दी ही अंडे देने वाली है, लेकिन अभी भी बहुत चिंता में है क्योंकि अभी उसने अपना पक्का घर नहीं बनाया है। मुझे जल्दी से अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। अपने अंडों को सुरक्षित और गर्म रखने के लिए पक्के घर की ज़रूरत है। इतना सोचकर रानू घर बनाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जाते उसे कालू कौवा और गौरी कौवी मिलती हैं। सुनिए, मेरा नाम रानू है, क्या आप मेरी एक मदद करेंगे? बोलो चिड़िया, कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है, उसके लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? हाँ हाँ, मुझे पता है, आप यहाँ से सीधी चली जाओ, आपको वहाँ पर बना बनाया घर मिल जाएगा। उस घर में कोई भी नहीं रहता है, आप वहाँ पर जाकर रह सकती हो। क्या आप सच कह रही हैं? अगर मुझे बना बनाया घर मिल जाए तो मेरी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। इतना कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता क्यों दे दिया? कालू जी, आप भी सीधे हो। हमने कोई ऐसे में ही फ्री की सेवा थोड़ी खोल रखी है, हम कोई बेल्ले बैठे हैं। रानू चिड़िया गौरी के बताए घोंसले के पास आ जाती है। चील घर में नहीं था। यह तो बहुत ही बड़ा घर है, अब मैं अंदर जाके देखती हूँ। रानू अंदर जाकर घोंसले में बैठ गई। थोड़ी देर बाद चील वापिस आ गया। वो देखता है घोंसले का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि उसके घर के अंदर कोई घुस गया है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आ गई? अरे चील, ये तुम्हारा घोंसला है, मुझे पता नहीं था। मैं पेट से हूँ, अंडे देने वाली हूँ, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। तुम अंडे देने वाली हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ चिड़िया आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। थोड़े दिन बाद चिड़िया ने अंडे दे दिए। चिड़िया अपने अंडों से बातें कर रही होती है। ठंड भी बढ़ रही है, मुझे अब अपना खुद का घोंसला बना लेना चाहिए। दूसरी तरफ गौरी ने भी दो अंडे दिए थे। कालू जी, उस रानू का कोई अता पता नहीं चला, चील ने उसके साथ क्या किया होगा। यह सब देखने के लिए कालू और गौरी वहां आ जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं तो रानू अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। चील किसी काम से बाहर जंगल में गया था।
रानो चिड़िया को देख गौरी देखती ही रह जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें चील ने खाया नहीं? आओ गौरी भाभी, आओ। आप इतने दिन बाद यहाँ आए? जो मैंने पूछा उसका जवाब दे चिड़िया। रानो उन्हें बताती है चील उसका अच्छा दोस्त है। चील उसके और उसके अंडों की पूरी देखभाल करता है। यह सब सुनकर गौरी बहुत हैरान होती है। सोचने लगती है, अगर चील हमारा दोस्त बन जाए तो जंगल के सारे पंछी हमसे डरेंगे और फिर मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं आएगी। गौरी टूनी चिड़िया को उसके अंडे लेकर वहां से निकाल देती है। गौरी भाभी, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बेचारी चिड़िया अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद चील घोंसले में लौट आता है। आओ चील, आओ। वो चिड़िया कहाँ पर है? आपस में बातें करते करते गौरी के अंडों से दो बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील, आज से तुम हमारे दोस्त हो। नन्ही चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। चील गुस्से में गौरी और कालू की खूब धुनाई करता है क्योंकि उसने चील के सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। चील को ना तो अंडे खाने को मिले और ना ही चिड़िया का नरम मांस। दूसरी तरफ रानो ने अच्छा सा घोंसला बनाकर पूरा कर लिया था और उसके अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए थे। चिड़िया और उसके बच्चे हंसी खुशी अपने घर में रहते हैं। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियां बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश, रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी, इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियां खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। आओ बहन, आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानो मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियां दे दो। ठीक है। तभी वहां पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहां से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है, वहां पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियां मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियां। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियां खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में?
जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। ची ची चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहाँ से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानो मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानो मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गर्म कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव, मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का भुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के। अगली सुबह रानू कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानू को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानू को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। ला 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 ला, आज तो मैं खेतों में टमाटर लगाने वाली हूँ, ताकि सारे टमाटर कुछ दिनों में रसीले और जल्दी से लाल बन जाए और मैं उन्हें खा सकूँ। टूनी बड़ी मेहनत से महीनों काम करके टमाटर की खेती करती है, जिसका वह हर रोज देख रेख किया करती थी कि उसके टमाटर सही तरीके से बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। तभी टूनी, मैंने सुना है तुमने टमाटर की खेती की है और मुझे बताया भी नहीं। मुझे टमाटर की खेती के बारे में बहुत कुछ पता है, किस मौसम में टमाटर लगानी चाहिए, पानी और खाद कितने देने चाहिए, सब कुछ। अरे जा रे मंटू, बड़ा या टमाटर की खेती करने वाला, अगर ये सब इतना ही आता है तो तू ही क्यों नहीं कर लेता सब कुछ। देख कोको, तू अपनी बहन रानी को समझा दे, हर बार टांग लड़ाना ठीक नहीं। टूनी मेरी अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि टूनी की फसल बर्बाद हो। देख टूनी, टमाटर की फसल अब तेरे हाथों में है, मुझे तो मंटू के बातों में जरा सी भी भरोसा नहीं, बाकी तेरी मर्जी, हम चलते हैं बहन। रात हो जाती है, टूनी सोते सोते कुकु और रानी की बात याद करते रहती है। फिर अगली सुबह, टूनी टूनी जरा जल्दी उठ, देख तेरे खेत में तेरी फसल का क्या हाल है। तभी टूनी के साथ कुकु और रानी भी उड़कर टूनी के खेत जाते हैं और वहां देखते हैं कि टूनी के सारे टमाटर सफेद रंग के हो गए हैं। वो ये सब देख के आश्चर्य हो जाती है। मैंने तो आज तक टमाटर का रंग लाल देखा था और ये टमाटर तो सफेद रंग के हो गए हैं। ये क्या, पर देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है, इसे मैं खा कर देखती हूँ, आखिर ये स्वाद में कैसा लग रहा है। टूनी वह टमाटर खाने लगती है। वाह, ये तो लाल टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है।
फिर कुकू और रानी ही खुसफुसाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम दोनों बहनें ने तो कल रात में ही बहुत सारे कीड़े छोड़े थे ताकि टूनी की फसल बर्बाद हो और सारा इल्जाम मंटू में डाल दे, पर ये तो उल्टा हो गया। अरे हाँ कुकू, वो कीड़े तो टमाटर को लाल से सफेद बना दिए, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई, अब क्या होगा। तभी वहाँ पर मंटू और टीकू आते हैं। अरे वाह टूनी, तुमने तो टमाटर को लाल से सफेद कर दिया, तुम्हारा तो जवाब नहीं। अरे बाबा रे बाबा, मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। इसके बारे में मेरे दादाजी कहा करते थे, जिसकी भी खेत में जिस दिन सफेद टमाटर उग जाएंगे तभी वो ही जंगल का मुखिया कहलाएगा। हाँ तो हम दोनों ही इस जंगल की असली मुखिया बनने वाली हैं। हम दोनों बहनें मिलकर कल रात में बहुत मेहनत से ढेर सारे कीड़े डाले थे। देखा टूनी, असली दोस्त कौन है। कल मैं रात में यहाँ से जा रहा था, तब मैंने देखा कि इन दोनों बहनें मिलके तुम्हारी फसल बर्बाद करने में लगी है, और मैंने सुबह होने का इंतजार किया ताकि तुम खुद देख लो असली फसल की देखरेख किसको पता है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर डाली। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। अगली बारी ऐसा काम कभी न करना कि तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़े। अरे टूनी, तुमने इन दोनों बहनों को इतनी आसानी से माफ कर दिया, तुम्हें इनको कोई सजा देनी चाहिए। वो इसलिए कि इन दोनों बहनों की वजह से मेरे टमाटर और भी सुंदर और स्वादिष्ट बन गए। उन्ना के जंगलों में कोसों दूर चिड़ियों का घर बसा था। यहाँ के पक्षी बहुत गरीब थे, जो अपने टूटे फूटे घरों में रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बात एक रोज की होती है, जब ठंडी हवा के चलते गौरी सब्जी लेने बाजार जा रही होती है, तभी उसे टूनी आवाज देकर रोक लेती है। गौरी बहन, इतनी ठंड में बाहर कहाँ घूम रही हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है जंगल में घूमने का, वो तो घर में सब्जियां नहीं है, इसीलिए मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। अच्छा, तो जा ही रही हो तो मेरे लिए 2 किलो आलू और 1 किलो मटर लेते आना। क्यों टूनी, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या। अरे इतनी सर्दी में मैं बाजार जाकर सब्जियां लेकर आऊँ, मुझसे नहीं होगा, चलना है तो मेरे साथ चलो। हाँ, मेरा काम करने में तो तुम्हारे पैर घिस जाएंगे। अरे क्या सोचने लगी, चलोगी या मैं निकलूं। नहीं नहीं रुको, मैं अभी अपना थैला लेकर आती हूँ। कुछ ही दूर जाने पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अरे दैया रे दैया, अब ये बर्फ पड़नी क्यों शुरू हो गई। तुम रुक क्यों गई, चलते रहो, शरीर गर्म रहेगा जिससे ठंड कम लगेगी, रुक जाने से ठंड ज्यादा और शरीर जम जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। दोनों बाजार पहुंचती हैं तो देखती है कि सभी पंछी अपना अपना थैला लेकर बाजार से सामान लेकर अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तभी दोनों सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वे दोनों शमशान घाट के पास से गुजरती हैं। वहां पर किसी की चिता जल रही होती है। तुम्हें पता है ये साथ वाले गांव के रामू काका की चिता जल रही है, बेचारे ज्यादा सर्दी लगने से चल बसे। हाय हाय, इस सर्दी ने तो जंगल में कई पक्षियों की जान ली है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। आधी रात को गौरी का बेटा ठंड से ठिठुर रहा था, तो गौरी कौई अपनी चादर उसे ओढ़ देती है। जैसे तैसे कर उस रात को गौरी कौई ठंड में ठिठुरते निकाल देती है।
रोज के रोज जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, बढ़ती ठंड के कारण जंगल में बहुत से पक्षियों की मौत हो जाती है। ठंड के कारण चिड़ियों का मुखिया भी अक्सर बीमार ही रहा करता था। एक दिन मुखिया को ख्याल आता है कि कैसे इन कामचोर हो चुके पक्षियों को इस ठंड में मरने से बचाया जाए। मुखिया सभी पक्षियों को अपने घर पर बुलाता है। देखो पक्षियों, मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान रह गया हूँ। मैं चाहता हूँ सारे पंछी मेरे जीते जी अमीर और इकट्ठे रहें। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुखिया जी? आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मेरे पास बहुत सा धन है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो धन बेकार हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी पंछी इकट्ठे होकर एक बड़ा सा घर तैयार करो। फिर वो सारा धन मैं आप सभी को सभी के सामने बराबर हिस्से में बांट दूंगा। सारे पंछी आपस में खुसर फुसर करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप बोलो मुखिया जी, हम सभी पंछी आज ही बड़ा सा घर बनाने में लग जाएंगे। सारे पंछी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने निकल जाते हैं। अगले दिन शाम होने तक सभी पंछी बड़ा सा लकड़ी का महल बना लेते हैं। सारे पंछी उस महल में इकट्ठे हो जाते हैं और मुखिया जी भी वहां पर आ जाते हैं। मुखिया जी, जल्दी से हम सभी को धन दे दीजिए, हम सभी आपस में बांट लेंगे। गौरी, थोड़ा सब्र तो करो, अभी बताता हूँ। मैं तो सिर्फ आपका आलसीपन खत्म करना चाहता था। मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम पंछियों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया था। हम सब आलसी हो गए थे, जिस कारण हम पंछियों ने उड़ना भी छोड़ दिया था और एक एक करके जंगल में पंछी मरने भी लगे थे। भगवान का शुक्र है, हमारे जंगल में किसी की मौत नहीं हुई। समय रहते हम सभी ने मेहनत शुरू कर दी। मुखिया की बात सुनकर सभी पंछियों को समझ आ गया था कि कड़ाके की ठंड से कैसे बचा जाए।